प्यारे दर्शकों, बहुत कोए भक्त अघोरी तांत्रिक पूजा करवाना चाहता है, लेकिन सही गुरुजी नहीं मिलने के कारण वह सब भक्त अपना पूजा नहीं करवा पाते हैं। गुरुजी श्री राजू तंत्र शास्त्री जी बंगाल में अघोर तंत्र पूजा करते हैं। अगर आप तारापीठ या शमशान में या गुरुजी के आश्रम में पूजा करवाना चाहते हैं तो स्वयं आकर बैठकर या फिर आप वीडियो कॉल पर अपना पूजा करवा सकते हैं। प्रमाण के साथ वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है कैसे तारापीठ या महाशमशान में या गुरुजी के आश्रम में अघोरी हवन कुंड में पूजा होते हैं। प्यारे भक्तों, आप किसी से भी अघोरी या तांत्रिक पूजा करवाना चाहते हैं, पहले आप वीडियो कॉल करके देख ले, फिर विश्वास करें। हमारे गुरुजी जब आश्रम में होते हैं तब आपका वीडियो कॉल जरूर उठाएंगे। आप बात करके गुरुजी से सही सलाह ले सकते हैं। आप भक्तों हमेशा रिजल्ट के पीछे भागते हो, इस कारण से जीवन में आपको सही कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। आप कर्म के पीछे भागो, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आपको सही परिणाम जरूर मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह किसी भी औरत को अपने वश में कर सकते हैं और आप उसे अपना बना सकते हैं, अपना खोया हुआ प्यार वापस पा सकते हैं। एक ऐसा ही आसान मंत्र, एक ऐसा ही आसान वशीकरण का टोटका आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो अगर आप इस मंत्र को, इस वशीकरण को अपनाते हैं तो आपका जो कार्य है वो पूरा हो जाएगा और वो औरत जिससे आप प्यार करते हैं वो आपके वश में हो जाएगी। तो आइए मैं बताती हूँ कि वो विधि क्या है, लेकिन उससे पहले उस सामग्री के बारे में मैं आपको बता देती हूँ जिसकी आवश्यकता इस वशीकरण में आपको होगी। तो सामग्री है मात्र एक कागज। जी हाँ, तो हमें चाहिए एक कागज और एक मार्कर। इस कागज और मार्कर की मदद से आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं और एक मंत्र का उच्चारण करने से वो व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है। तो आपको एक कागज लेना है और उस पर उस औरत का नाम लिखना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। मान लीजिए उस औरत का नाम है रेखा, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं और उन्हें आप अपने वश में करना चाहते हैं, तो आपको उनका नाम इस कागज पर लिखना है। इस तरह इस कागज पर आपको उस औरत का नाम लिखना है और उसके बाद इस कागज को आपको फोल्ड करना है। दर्शकों, आप कागज छोटा ही लें क्योंकि इस कागज को हमें बाद में जलाना है और इसकी राख ज्यादा ना हो, इसलिए कागज छोटा ही रखिए। तो इस तरह इस कागज को फोल्ड करेंगे और कलावे की मदद से इसको बांध लेंगे, फिर इसे अपने हाथ में ही रखेंगे और फिर जो मंत्र मैं आपको बताने जा रही हूं उस मंत्र का उच्चारण करेंगे। उस मंत्र का उच्चारण आपको 11 बार करना है। इससे क्या होगा कि जिस महिला को आप अपने वश में करना चाहते हैं वो पूरी तरह से आपके वश में हो जाएगी, पूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ आपकी ही हो जाएगी। तो मैं आपको बताती हूं कि वो मंत्र क्या है जिसके मात्र उपयोग से वो महिला आपके वश में हो जाएगी। तो आइए दर्शकों, अब मैं आपको बताती हूं कि वो सिद्ध मंत्र क्या है। ओम कामदेवाय विद्याय रति क्रियाय धीमहि तनु अनंक प्रचोदयात। तो इस तरह आपको कागज हाथ में लेना है और मंत्र का उच्चारण करना है और उस महिला का ध्यान करना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं और फिर बताए गए मंत्र का उच्चारण 21 बार करना है। इसके बाद मात्र 3 घंटे के लिए आपको उस कागज को किसी सुरक्षित जगह पर रखना है, मतलब एक साफ स्थान जहां पर मांस मदिरा या किसी और चीज का सेवन ना होता हो। जैसे मंदिर में आप इसे रख सकते हैं क्योंकि मंदिर से पवित्र कोई और जगह नहीं हो सकती। तो आप इसे मंदिर में रखिए और 3 घंटे बाद मंदिर से निकालकर आपको उस कागज को जला देना है। जो इस कागज की राख बनेगी उस राख को आपको बहते हुए जल में बहा देना है। जैसे जैसे आपकी ये राख बहते जल में प्रवाह होती जाएगी वैसे वैसे वो महिला आपकी ओर खींची चली आएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि विधि उसी प्रकार करनी है जिस प्रकार मैं आपको बता रही हूँ। सही तरीके से विधि करिए, सही तरीके से मंत्र का उच्चारण करिए और उस महिला को अपना बनाइए।
तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और गुरुजी से बात करके अपने जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर अपनी मनोकामनाओं को पूरा कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सबकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा, तो बिल्कुल भी देर ना करें और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल कीजिए, गुरुजी से बात करके अपनी सभी परेशानियों का निदान पाइए और वो भी तुरंत ही। तो अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।